प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपका ये इस्तीफा क्या, अब इस्तीफा क्या जो बाइडन देगा आपका, ये वो तो 200 सीट का दावा कर रहे थे। ओ ओ जैसे आइसक्रीम बेचने वाले को बुलाते हैं ना, ऐसे गृह मंत्री जी आवाज लगाते हैं, ओ ओ व्हाइट शर्ट वाले भैया, ओ व्हाइट शर्ट वाले भैया, आइसक्रीम बेचने वालों की तरह आवाज लगा रहे हैं। कैमरा इधर करिए, क्या है ये देश में, ऐसे लोगों के हाथ में शासन और सत्ता दी जाएगी। लेकिन देश के नेताओं पर और सरकारों पर रद्दी भर भरोसा नहीं है। रद्दी भर जिसे कहते हैं, देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम का जहर घोलना बंद करिए और चुनावी मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू करिए। ठीक है, पहले कश्मीर लाया गया, ठीक है, वो फुस हो गया। पिछले 10 दिनों से जनसंख्या बिल चलाया गया, उस पर जनसंख्या पे लोगों ने ध्यान दिया नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ आतंकवादी भी पकड़े हैं, सुना है वहाँ पर अलकायदा के आतंकवादी पकड़े गए हैं। अलकायदा के आतंकवादी अगर पकड़े गए हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, या आतंकवादी कोई एक दिन में आता है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद अगर देश में आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपका ये इस्तीफा क्या, अब इस्तीफा क्या जो बाइडन देगा आपका, ये ना इस्तीफा क्यों देगा, जब उनकी एजेंसी ने पकड़ लिया, गिरफ्तार हुए तमाम लोग, तो फिर क्या दिक्कत है। पकड़ लिया, इतने दिन से रह रहे थे उसके लिए नहीं कहेंगे, अभी पकड़े गए, पकड़ लिया, आपको पता क्या पता भी और भी हो तो फिर आप क्या करेंगे। और घुसे कैसे, वो घुसे कैसे, सरकार इनकी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के। जब भैया आप अपनी रैलियों में व्यस्त रहेंगे, चुनावी प्रचार में व्यस्त रहेंगे, तो भैया मुख्यमंत्री जब वहाँ कलकत्ता पहुँचेगा तो यहाँ तो आतंकवादी घुसेंगे ही। मतलब देश की एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं है? किस पे? देश की एजेंसी, देश की एजेंसी पे तो भरोसा है या नहीं है इस बात के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन देश के नेताओं पे और सरकारों पे रद्दी भर भरोसा नहीं है। रद्दी भर जिसे कहते हैं। लेकिन चलिए निकाय चुनाव की बात करते हैं, जो परिणाम आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जो है वो गदगद हैं कि यही 22 में भी दोहराएगा, प्रधानमंत्री भी बधाई दे रहे हैं। तो आप देते क्यों नहीं है बधाई, आप दीजिए ना बधाई, गदगद क्या हो रहे हैं। बधाई तो प्रधानमंत्री जी पहले से एडवांस में 200 सीटों की दे रहे थे, उसका क्या हुआ, अब आप भी नहीं दे रहे जाके कलकत्ता में बधाई, आप भी तो दियाइए एक बार मोदी जी के साथ में जाके ममता बनर्जी को बधाई, अब नहीं देंगे बधाई आप, वो तो 200 सीट का दावा कर रहे थे। ओ ओ जैसे आइसक्रीम बेचने वाले को बुलाते हैं ना, ऐसे गृह मंत्री जी आवाज लगाते हैं, ओ ओ व्हाइट शर्ट वाले भैया, ओ व्हाइट शर्ट वाले भैया, आइसक्रीम बेचने वालों की तरह आवाज लगा रहे हैं। कैमरा इधर करिए, क्या है ये देश में, ऐसे लोगों के हाथ में शासन और सत्ता दी जाएगी है। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई चुनावी मुद्दा है आपके पास में, किस देश से आप चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में मुंह उठा के पहुंचे, बताइए। आप कहते हैं, सुनिए शिक्षा की तमाम, अरे यार आप मेरी बात सुनिए पहले, रुकिए, कोई बात नहीं कर रहे आप, झूठ मत बोलिए। पहले कलकत्ता में कहते हैं हमें टीएमसी के गुंडे मारते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं हमें शिवसेना के गुंडे मारते हैं, ठीक है, राजस्थान में कहते हैं हमें कांग्रेस के गुंडे मारते हैं, जब सब जगह आपको जनता लतिया ही रही है तो भैया आप क्यों वोट मांगने जा रहे हैं, अपने घर ही बैठिए ना, जब सब जगह आपको जनता मार पीट ही रही है। तो अभी कोरोना काल, इनके लिए कोई कोरोना काल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले धरना दे रहे हैं, पुलिस के साथ कैसी बदतमीजी कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, पुलिस वाला बोल रहा है फोन करके कि बीजेपी वाले बम भी लेकर आ रहे हैं, सुन रहे हैं ना फोन पे वो सब इन्फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, कर रहे हैं, संत आदमी है। उत्तर प्रदेश के अंदर ना कानून नाम की चिड़िया तो उड़ चुकी है, कार्रवाई नहीं होगा क्या, और जनसंख्या बिल बाद में लाइएगा, पहले गुंडों को रोकने का बिल लेके आइए कि गुंडों को कैसे रोका जाए उत्तर प्रदेश में, और गुंडे रोकेंगे भी कहां से, जब गुंडे आप ही की पार्टी के हों तो आप रोक कहां से सकते हैं उन गुंडों को, जरा ये बताइए। देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम का जहर घोलना बंद करिए और चुनावी मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू करिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो कभी आप जनसंख्या बिल ले आते हैं, कभी आपको कश्मीर याद आ जाता है। अभी आप देख लीजिए, अभी न्यूज़ चैनल आज ही खोल के देखा था, आज सुबह ही तो कोई चैनल, न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं ड्रैगन पानी में डूब रहा है। अबे ड्रैगन पानी में डूबे चाहे पानी के ऊपर तैरे, हमें क्या करना है ड्रैगन का, आप ये बताइए ना। आप हिंदुस्तान की बात करते नहीं है, या तो आप चाइना पहुंचते हैं या पाकिस्तान पहुंचते हैं, आप हिंदुस्तान की बात कर लीजिए ना। आपको तो, मुझे तो ये समझ नहीं आता ये टेलीविज़न चैनल वाले हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान और चाइना के हैं, ज़रा ये बता दीजिए आप सबसे पहले। आपको पता ही नहीं चला अभी तक कहाँ गए, क्या जो मेरे घर में चल रहे हैं टीवी चैनल वाले, या मेरे घर से चंदा लेकर वो चैनल चला रहे हैं जो मुझे बताएंगे। सब बातें पता है तुम्हें योगी के, मतलब टीवी वालों की नहीं पता कुछ, किसकी
टीवी वालों की सब पता है तुम्हें? हाँ जी, क्यों नहीं पता होंगी, प्रधानमंत्री एक सीएम है। किसकी? टीवी वालों की, कहाँ के कहाँ से? टीवी वाले तो भैया भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है सुभाष चंद्रा, ठीक है। अब सुभाष चंद्रा का तो मेरे को यही पता है कि भारत की नागरिकता है उनके पास, तो मैं तो उनको हिंदुस्तान का ही चलूंगा, वो भले जी न्यूज चलाते रहे, ठीक है। अर्णब गोस्वामी के पास भी भारतीय नागरिकता है, ठीक है। अभी कुछ चैनल है जिनको मैं देख रहा था कि चाइना में पानी से बाढ़ आ रही है, पानी से ये डूब रहा है वो डूब रहा है। अरे भैया आप हिंदुस्तान को लेकर बात कर लीजिए, हिंदुस्तान में भी तो बिहार पानी से लबलबाया उठाए, जहाँ पर आप कह रहे थे कि आपको वहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, वहाँ आपके तीनों इंजन फेल हैं, उन इंजनों को तो संभालिए जाकर। राष्ट्रवादी चैनल कहलाते हैं जिन चैनलों का नाम आप ले रहे हैं। आप भी तो राष्ट्रवादी कहलाते हैं, आपके तो चेहरे पे राष्ट्रवादी लिखा है, हमारे चेहरे पे देशद्रोही लिखा है, हैं? आप आपके चैनल राष्ट्रवादी है देशद्रोही है? राष्ट्रवादी है बिल्कुल। कहाँ लिखा है राष्ट्रवादी है? लिखा नहीं है, लेकिन जनता मानती है ना कि राष्ट्रवादी चैनल है जी न्यूज। आपने सर्वे करवाया अपने चैनल के लिए कि आपका चैनल राष्ट्रवादी है देशद्रोही है? हम देश की खबर दिखाते हैं। तो वो तो विदेश की खबर दिखा रहा है, तो वो फिर क्या हुआ, राष्ट्रवादी हुआ देशद्रोही हुआ? देश हित में तो दिखा रहे थे तमाम चीजें। मतलब चाइना की खबर दिखाना देश हित में है, है? मतलब चाइना पानी में, एक मिनट, चाइना एक मिनट किसकी? देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको नहीं? हमें चाइना की जानकारी जान के क्या करना है? आप देश दुनिया को छोड़िए, अपना ही देश देख लीजिए। हमारे देश में सुनिए, हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, 7 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, आपके पास वो दिखाने का समय नहीं है? दिखाने रही मीडिया, कहाँ दिखा रही है? कैसे पता चला आपको किसान सड़कों पे हैं? किसका कैसे पता चला? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया दिखा रही है ना, कोई सी भी मीडिया। अरे भैया वाह वाह, मतलब आप करें तो डांस और दूसरे करें तो मुजरा, है ना? मतलब हर तरफ से आपकी वाहवाही, क्या? हाँ हाँ, आप एक बात बताइए, जब अर्णब गोस्वामी जैसा पत्रकार ये कहता है कि मुझे कोकीन चाहिए, ठीक है, ड्रग चाहिए, ड्रग बोलता, सॉरी, वो ड्रग चाहिए क्योंकि ड्रग पाया जाता है वहाँ महाराष्ट्र के अंदर, जब पश्चिम बंगाल में इनकी नेता इन कोकिन के साथ में पकड़ी जाती हैं, तो पत्रकार यूं क्यों नहीं कहते कि मुझे कोकिन दो? बताइए, आपके पास इस सवाल का जवाब है, क्यों नहीं कहते? एक और सुनिए, एक और अभी आप ये बताइए, एक और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान का हिंदू भूखा मर रहा है। जैसे यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक थाली में दाल मखनी और शाही पनीर सजा सजा के घर घर में परोस रहे हैं हिंदुओं को, है ना? ये कहना चाह रहे हैं आप? आप ही सुनना चाहते थे ना ऐसा? क्या सुनना चाहते थे? महीने से तो बदल गया ना, आप ही सुनना चाहते थे? क्या सुनना चाहते थे? पाकिस्तान में क्या हो रहा? कौन सुनना चाहता? हम तो नहीं सुनना चाहते, जानना चाहते 80 रुपए किलो टमाटर क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? वाह, एक मिनट, आपको पता है 80 रुपए किलो टमाटर क्यों होता है पाकिस्तान में? है आपके पास इस सवाल का जवाब? एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, जब आप वो टमाटर मंगाएंगे आप दुबई और सऊदी के माध्यम से, तो आपको 80 रुपए किलो मिलेगा, फ्री में तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि उसमें टैक्स लगता है। और वही टमाटर अगर आप भारतीय बाजार से लेंगे तो उस टमाटर की कीमत आपको 20 से 30 रुपए किलो हो जाती है। मीडिया के खिलाफ कितने आंदोलन करे आपने? किसने? मीडिया के खिलाफ क्या? मीडिया आप ये समझिए कि देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज देश का चौथा स्तंभ जब सरकार की दलाली में लग जाएगा ना, वो देश का चौथा स्तंभ अगर टिका हुआ है ना, तो कुछ पत्रकार हैं जिनके माध्यम से टिका पड़ा है, वो पत्रकार, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जब गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्या होती है उसको लेकर चुप होते हैं, सरेआम एक पत्रकार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है तो चुप रहते हैं, लेकिन किसी नेता को जरा सी चोट लग जाए तो पत्रकारों को ऐसे दर्द रखता है कि किसी घर के मेंबर को चोट लग गई हो। नहीं, ठीक और गलत आपके अनुसार तो हर सरकारों में रहे ना, इसमें थोड़ा ही रहे, पहले नहीं थे क्या कुछ ऐसे? आज एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप सरकार की बात करते हैं, अगर यही आंदोलन किसी और पार्टी की सरकार में चल रहा होता तो हम उस सरकार का भी विरोध करते। बात यहाँ लड़ाई किसी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है, यहाँ लड़ाई है देश के लिए, यहाँ लड़ाई है देश के किसान को लेकर, यहाँ अगर लड़ाई है तो अपने वजूद और अपने अस्तित्व को लेकर। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।